नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था कि करवा चौथ कब है, साथ ही करवा चौथ की विधि क्या है यानी पूजा विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, इन सभी बारे और साथ ही हमने ये भी जाना था कि अगर पहली बार कोई महिला इस व्रत को रख रही तो वो किस प्रकार से रखें। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम हमारे वीडियो में जानेंगे कि सरगी का नाम सुना होगा अक्सर आपने, फिल्मों में भी सरगी को देखा होगा। तो सरगी क्या है, ये इसका क्या महत्व है, साथ ही करवा चौथ में जो करवा रखा जाता है मिट्टी का एक बर्तन, उसका क्या महत्व है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो करवा चौथ के दिन छलनी के थ्रू मुंह देखा जाता है अपने पति का और चंद्रमा का दर्शन भी छलनी से ही किया जाता है, छलनी को देखकर, तो उसके पीछे का क्या विज्ञान है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सरगी क्या होती है और सरगी क्यों दी जाती है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सरगी का हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, बाद में किसी लोगों ने डाल दिया है। वैसे सरगी का हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है, लेकिन इसके पीछे जिन लोगों ने डाला है ये चीज़ें, उसके पीछे का हमने जो तर्क दिया वो मैं आपको बताता हूँ। सरगी एक तरह का भोजन होता है जो सास अपनी बहू को देती है। क्या होता है कि बहू जो है वो पूरे 24 घंटे के लिए इस व्रत को करती है, इसमें पानी भी नहीं पीना है, थूक भी नहीं निकलना, खाना तो खाने की बात ही अलग है, खाना तो खाना ही नहीं है। तो पूरे 24 घंटे तक वो जो महिला है जो व्रत रखती है वो इतनी कठिन व्रत को रखती है। इस कठिन व्रत के लिए जो सासू है उसकी सास है वो आशीर्वाद देती है और साथ ही उस सरगी को देती है। कुल मिला के एक थाली होती है भोजन की, वो दी जाती है। उस थाली में सारी तरह की चीज़ें रखी रहती है, सुहाग का सामान रखा रहता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खाना होता है और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जिसके थ्रू वो खाकर वो इतनी एनर्जी ले सके ताकि बहू पूरे 24 घंटे अपने व्रत को निभा सके, अपने व्रत को रख सके, इसलिए इस प्रथा को चालू किया गया है। फिर बता रहा हूँ, सरगी कोई शास्त्र की विधि नहीं है, इस शास्त्रों में इसके बारे में लिखा भी नहीं है, लेकिन जिसने भी ये बाद में डाला है उसके पीछे का तर्क बता रहा हूँ आपको कि उस सरगी में क्या क्या होता है। वो मैंने आपको बताया कि सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खाने की चीज़ें होती है, सुहाग का सामान होता है, ये सारी चीज़ें एक सासू अपने बहू को देती है। उसके पीछे का सिद्धांत क्या है कि वो इन चीज़ों को खाकर और बहू के और साथ ही आशीर्वाद भी देती है कि आप इस व्रत को अच्छी तरीके से कर सको, भगवान तुम्हें इतनी शक्ति दे कि आप इस व्रत को रख सको, इसलिए इस सरगी का प्रचलन चालू हुआ है। चलिए मैं बताता हूँ करवा के बारे में। देखिए, करवा एक तरह का मिट्टी का बर्तन होता है, लेकिन आजकल क्योंकि मिट्टी का बर्तन मिलना थोड़ा ज़्यादा आसान नहीं होता है, तो आजकल उसी करवे का स्थान या तो स्टील का वो बर्तन होगा या फिर तावे का बर्तन हो सकता है, चांदी का बर्तन हो सकता है, इनमें से किसी भी तरह का बर्तन लिया जाता है जिसमें उसी बर्तन के थ्रू, उसी करवे के थ्रू आप सूर्य देव को जो अर्घ देते हो वो उसी करवा के थ्रू देते हो। साथ ही ये भी माना जाता है कि जो करवा है वो गणेश जी का प्रतीक है, यानी गणेश जी का स्वरूप उनको माना जाता है और इससे अचल लक्ष्मी अपने घर में निवास करती है। अचल लक्ष्मी मतलब वो लक्ष्मी जो कि हमेशा अपने घर में बनी रहती है। अगर हम करवे का दान करते हैं तो हमारे घर में अचल जो लक्ष्मी है उसका निवास होता है। इस कारण से करवे को व्रत में रखा जाता है और करवे का उपयोग किया जाता है। तो चलिए मैं आपको छलनी के पीछे क्या सिद्धांत है ये बता देता हूँ। तो ऐसा माना जाता है, भविष्य पुराण में ऐसा लिखा भी है कि जो चौथे दिन का चंद्रमा होता है यानी चतुर्थी का चंद्रमा, यानी कि चौथा दिन कौन सा पड़ता है, चतुर्थी, तो चौथे दिन का जो चंद्रमा है वो शुभ नहीं होता, देखना उसको देखना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन क्या है कि व्रत की ये मर्यादा है, व्रत का ये नियम है कि आपको चांद देखकर ही व्रत को खोलना है, तो चंद्रमा को तो आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन क्या बताया साथ में कि चौथे दिन का चंद्रमा यानी चतुर्थी का चंद्रमा देखना अशुभ माना जाता है, इसलिए महिलाएं क्या करती है कि छलनी के थ्रू उसको देखती ताकि उसकी अशुभता जो है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। इस कारण से चांद को छलनी के थ्रू देखा जाता है, ठीक है, इसलिए चंद्रमा को छलनी से देखने का नियम बनाया है। तो साथ ही दूसरे जो कारण है वो ये है कि चंद्रमा को जो ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, इस वजह से महिलाएं चंद्रमा को छलनी के थ्रू देखती है ताकि उनके पति की लंबी उम्र हो सके और सौभाग्य का वरदान भी उनको मिल सके। इस कारण से ये चंद्रमा को छलनी में से देखने का नियम है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रही खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।